मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 9 व 10 फरवरी को नागौर का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 फरवरी को मुंडवा के वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव में भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह जयपुर से रवाना होकर नागौर पहुंचेंगे, जहां सीएम हेलीकॉप्टर से खरनाल पहुंचेंगे और वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री खरनाल से हेलीकॉप्टर द्वारा मुंडवा पहुंचेंगे, जहां वीर तेजा महिला शिक्षण एम शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव और कन्या छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद नागौर जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल अमरपुरा गांव में संत शिरोमणि श्री लिखमीदास जी महाराज के मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। तो वहीं भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोगेलाव में रात्रि विश्राम भी करेंगे, साथ ही ग्रामीणों से भी मिलेंगे, जो इसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह नागौर जाएंगे, यहां पर भी विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दीपेश का। दीपेश, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जो है 2 दिवसीय दौरा है और हम इसे चुनावी दौरा भी कह सकते हैं। और आज सुबह 9:15 बजे जो कुछ ही समय बाद वो जयपुर से रवाना होंगे, अपने विशेष विमान से जो रवाना होंगे वो नागौर की तरफ जाएंगे। 10:15 बजे वहां पहुंचने का कार्यक्रम है करनाल, जहाँ पे वीर तेजाजी के दर्शन करेंगे, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। उसके पश्चात 11:10 पे मारवाड़ मंडावा पहुंचने का है। वीर तेजाजी महिला शिक्षा संस्थान है जिसका वार्षिक उत्सव में वो शामिल होंगे, जहाँ पे उनके लंच का भी कार्यक्रम है और दोपहर में वहाँ पे पार्टी का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिस दौरान वहाँ पे लंच और उनके कार्यक्रम है। 4:20 पे वो अमरापुर जाएंगे, जहाँ पे संत लक्ष्मीधर जी महाराज के धाम के दर्शन करेंगे। 4:55 पे गोगेला गांव जाएंगे, जहाँ पे बीजेपी की है जो गांव चलो अभियान की शुरुआत करेंगे, नागौर पहुंचकर उस गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। रात्रि विश्राम वो नागौर में ही करने वाले हैं। इसके पश्चात जो जो 2 दिवसीय दौरा है, तो कल के भी कुछ कार्यक्रम रहेंगे जिससे शाम को 5:30 बजे वो जयपुर लौटेंगे। जी दीपेश, देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री जिस भी जिले के दौरे पर जा रहे हैं वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करें और इस दौरान भी वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्या कुछ खास रहेगा इन बैठकों में? डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और जिस एरिया में जाएंगे वहां के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और वो अपने आगामी लोकसभा की तैयारी करेंगे, किस तरह से हमें लोकसभा की तैयारी करना है, जो तैयारी करनी है। और सबसे अहम बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो खुद जयपुर की सीट से विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे यहाँ से भी, तो सबसे अहम होगा कि राजस्थान की जो सीट है पूरी 25 की 25 कैसे निकले और इस तरह की तैयारियां करेंगे वहां पे जाके अपने बीजेपी के जो विधायक है अधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री का 9 और 10 को प्रस्तावित कार्यक्रम है, नागौर दौरे पर वो रहेंगे, इस दौरान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। इसके अलावा गांव चलो अभियान के तहत वो लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे।